नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, सीनियर हमारे सिटीजन हैं, इनके भी जान लेते हैं कि क्या मसाइल थे जो लेकर खुली कचहरी में आए हैं आप। बेटे मुझे एक पूरा एक माह चला, 18 तारीख से मैं मतवातर हर जुमा खुली कचहरी में आ रहा हूँ, तो और मेरा शादरे के मसाइल इतने हैं, पसमानदा इलाका है, किसे हमारे MNA MP अवामी नुमाइंदे ने आज तक उधर तवज्जो नहीं दी। मैं 6-7 साल से ट्रफ के लिए दर दर हर महकमे के मैं दरवाजे खड़का चुका हूँ, हाँ जी, कोई इधर तवज्जो नहीं दे रहे थे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वगैरह ये वो बिल्कुल, और एम्बुलेंसें फंसी होती हैं ट्रैफिक के जाम में, और बेचारे वो मरीज एड़ियाँ रगड़ रगड़ के फौत हो जाते हैं। मैंने इसमें लिखा है, अभी उनका खून जो है तवज्जो ना देने वाले अफसरान के सर होगा इंशाल्लाह ताला, यहाँ तक लिखा है इनको। और पिछले अच्छा, आप मुसलसल खुली कचहरी में आ रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, तो कोई सुनवाई हुई आपके, कुछ मामले का हल निकला? मैं वही बताने लगा था, अब माशाल्लाह परसों DC साहबा ने, मिस वर्दा साहब हैं वो फिनांस के FP ADCR, वो और अपना ट्रांसपोर्ट के तजावजात के TOR वगैरह काफ़ी स्टाफ था जो मेरे साथ गए, मैंने उन्हें एक एक चीज़, ये 20 मेरे मसले हैं छोटे बड़े, उनको एक एक जगह पॉइंट पे लेकर गया, उन्हें रिक्वेस्ट की है खुदारा जो छोटे छोटे मसले हैं उनको फौरी हल करा दें, और जो बड़े हैं उनको दर्जा बदर्जा कराएं, और मुझे बताया जाए ये कब तक होगा। अच्छा, और कौन से मसाइल हैं? एक तो ट्रैफिक का मसला हो गया, वो बहुत ज़्यादा मसला है, और कौन से शादरा के मसाइल हैं जिनकी आपने निशानदही की? शादरा में कोई आबादियाँ हमारी ऐसी हैं, डिग्री कॉलेज है वहाँ पे भट्टो कॉलोनी के पीछे गर्ल्स कॉलेज, और उन बेचारियों के लिए आने जाने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, जो मैंने एक मैप बनाया हुआ है तो वो मेरे पास है, मैंने उनको बताया भाई ये इंटरचेंज यहाँ पे खूबसूरत बना के बरकत ऑन स्टॉप पे, और इसको फैजपुर इंटरचेंज से इसको रास्ता, एक नया रास्ता दें जो ईस्टर्न बाईपास से जाकर लिंक करे, और वो गर्ल्स कॉलेज वगैरह जो छोटी बड़ी आबादियाँ हैं उनको भी एक रास्ता बेचारों को मिल जाएगा, पसमानदा इलाका है, किसने आज तक इधर ध्यान नहीं किया। हम यहाँ से निकलते हैं घर जाने के लिए 15 मिनट का रास्ता होता है, ये मैंने नक्शा बनाया हुआ है, इतनी मेहनत से, हाँ जी, CTO मरहूम अहमद मुबीन बेचारे जो फौत हो गए, उन्हें मुझे कहते मुझे सलूट करने का दिल करता, आपने जो ये बताया हमारी आबादियाँ बढ़ रही हैं दिन ब दिन। ये नाजरीन आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगी ज़रूर आपको दिखाए कि ये वो बुजुर्ग शहरी हैं जो लाहौर की अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, इनको इससे जो है वो न सिर्फ इलाके के मसाइल की निशानदही कर रहे हैं बल्कि नक्शा बाकायदा तौर पर बना के दिया है कि किस तरह से ये जो ट्रैफिक के मसाइल हैं शादरा के खास तौर पर इनको हल किया जा सकता है। आप यहाँ पर खुली कचहरी में पहुँचे हैं, क्या मसला लेके आए? खुदावंद यसूसी के अजीम नाम में जो सारी दुनिया का निजात दहिंदा है, मैडम मैं आपके सामने मीडिया के जरिए ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मिनोरिटी कमेटी लाहौर अकलीती मसाइल हल करने के लिए आज से 15-20 साल पहले यहाँ पर मौजूद थी, और हमारी जमात के लोग उसमें मेंबर भी थे, और डिस्ट्रिक्ट सतह पर मसीहियों के मसाइल हल करने में बड़ी मदद मिलती थी, लेकिन काफ़ी अरसा से ये कमेटी बंद कर दी गई है। 2000 में हमारे मोहतरम बिशप शमसर मोहर साहब इसके चेयरमैन थे, इसके बाद हम इसके मेंबर रहे हैं, फिर ये कमेटी बंद कर दी गई है। हम ये चाहते हैं कि इस कमेटी को बहाल किया जाए ताकि निचली सतह पर मसीहियों के जितने मसाइल हैं हल करने के लिए, कुछ बिशप साहबान तो बड़े हाई लेवल के लोग हैं, लेकिन हम जो फ्रूट गार्ड पर काम कर रहे हैं ना, फ्रूट ग्रास पर, हम ये चाहते हैं कि वो निचली सतह पर ही मसीहियों के मसाइल हल हो जाए, तो अगर हम इसमें शामिल होना चाहते हैं लेकिन इसको बहाल करें ताकि हम मसीह मसाइल हल करने के लिए गवर्नमेंट की मदद करें। यहाँ पर डेस्क हैं जी, मुख्तलिफ महकमों के, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का यहाँ पर डेस्क है, इनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर अब तक जो है वो सर कितनी शिकायत आ चुकी हैं अब तक और कितनी हल करने में कामयाब हुए हैं आप? 3 शिकायत आई हैं और वो हमने मुतलका महकमों को भिजवा दी हैं उनके ऊपर। अच्छा, 2-3 शिकायत किस नौयत की थी, क्या शिकायत थी? वो हमारे मुतलक नहीं थी, वो कसूर की थी, डिस्ट्रिक्ट कसूर को भिजवा दिया। दूसरी एक कब्जा माफिया के खिलाफ थी, वो भी जो मुतलका महकमा है उसको भिजवा दिया। जी नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखते हैं कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट के यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि अब तक कितनी शिकायत आ चुकी हैं आपके पास और कितनी हल की जा चुकी है? तकरीबन 8 से 9 शिकायत आ चुकी हैं जिनमें से ऑलमोस्ट सारी सॉल्व कर चुके हैं। किस नौयत की शिकायतें थी, क्योंकि हमने देखा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है लोगों को बड़ी मसाइल रहते हैं उससे, कभी अस्पतालों से और कभी जो है वो मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज के हवाले से।
हाँ नहीं, इस जो जितनी भी एप्लीकेशन थी वो यूजली ये थी कि जो लोग पोलियो, डेंगी और कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कंट्रैक्ट पे रखे गए थे ना, उनको टर्मिनेट किया गया था, तो उन्होंने अपने दोबारा री इंसिस्ट होने के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो लेकिन जब भी उनकी एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट किया गया तो वो 10-10 दफ़ा एब्सेंट रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आजकल जो है वो पोलियो मुहिम भी चल रही है, क्योंकि दोबारा से पाकिस्तान में पोलियो के केसेस आना शुरू हो गए, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, मुहिम जो है वो जारी रहेगी? आई एम नॉट रिलेटेड टू दैट पोलियो, तो मैं यूजली डील करता हूँ ये कंप्लेंट चलता हूँ, तो लेकिन दैट्स अ गुड रिस्पांस फॉर दैट। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और डिपार्टमेंट्स यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनसे बात कर लेते हैं कि तालीम के क्या मसले अब तक सामने आए हैं और कितने मसले हल किए जा चुके हैं आपकी जानकारी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 99% जो है वो कंप्लेंट्स वो टीचर ट्रांसफर के हवाले से हैं, और वो भी फीमेल टीचर्स। उसमें पिछले जो फ्राइडे हैं वो 13 आई थी कंप्लेंट्स, उसमें हमने 10 रिजॉल्व कर दिए हैं, 3 जो है वो अंडर प्रोसेस है, और अब जो है अभी तक 5 आई हैं, और वो सारी की सारी ट्रांसफर के हवाले से फीमेल। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि खुली कचहरी तो लगाई गई है, महकमों की जानिब से क्यों नहीं शहरियों की बात सुनी जाती कि यहाँ पर खुली कचहरी में आकर लोग अपने मसाइल हल करा रहे हैं? असल में डिपार्टमेंट में भी बात सुनी जाती है, लेकिन ये चूंकि एक अपॉर्चुनिटी है उनको एक एक्स्ट्रा, तो इस यहाँ पे भी लोग आते हैं, लेकिन केस उधर ही ये रिजॉल्व होते हैं, ज़रा स्पीड अप हो जाते हैं। ये नुमाइंदगान है यहाँ पर, ये नाजरीन LWMC है जी, शहर में गंदगी के बहुत सारे मसाइल हैं जिनके हवाले से इनसे जान लेते हैं कितनी शिकायत आ चुकी हैं जी अब तक। ये सातवीं खुली कचहरी है और इसमें अभी तक हमारे पास 11 कंप्लेंट्स आई हैं। सिर्फ 11 कंप्लेंट्स आई हैं? इसमें से जो 4 कंप्लेंट्स हैं वो जो जिनके कोई वालद फोत हो गया है, वालदा फोत हो गई है, तो वो नौकरी के लिए आ रहे हैं। बाकी कंप्लेंट्स हैं, 2 कंप्लेंट्स हैं जिसमें कि जो कैटल एविक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लेंट्स हैं, वो हम MCL और LWM से मिलकर काबज की है, और ये तकरीबन 90% इसका रेजोल्यूशन है। आज जो है 2 कंप्लेंट्स में सोल हुई, एक वॉल्ड सिटी की सफाई का इशू है। अच्छा, ऐसा होता है कि जो आपको एक हफ्ते खुले कचहरी में जो शिकायत मौसूल होती है अगले हफ्ते तक उनको आप हल करते हैं, ऐसा होता है क्या? जी 100% इंश्योर करवाते हैं जी। 100% इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये है जी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का जिला इंतजामिया का ये डेस्क है, इनसे बात कर लेते हैं कि कितनी शिकायत अब तक मौसूल हुई हैं और कितनी हल की जा चुकी है। जी मैडम, मेरा नाम आसिफ इकबाल है, मैं फोकल पर्सन हूँ MCL की तरफ से, मेयर साहब की तरफ से। हमें इस वक्त तक 16 कंप्लेंट रिसीव हुई हैं और उसमें से हमने 12 रिजॉल्व कर दी हैं। 4 जो है वो अभी ये लास्ट खुली कचहरी की कंप्लेंट्स हैं, वो अभी इन प्रोसेस हैं, वो इंशाल्लाह ताला वो जैसे ही रिजॉल्व होंगी, मैं ये मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है। हमारे पास मोस्टली कंप्लेंट्स होती हैं इंक्रोचमेंट्स की और मवेशियों के इनखला की, तो इस हवाले से हम जैसे ही कंप्लेंट मसूल होती है हम तो इधर से ही, मैंने अभी एक कंप्लेंट आई है मैंने इधर से ही व्हाट्सएप कर दिया है, तो वो मौके पे यानी कि क्विक रिस्पांस भी दिया जा रहा है। नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगली जो डेस्क है ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA की है, इनसे जान लेते हैं कि LDA जो है उसका भी लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है, कितने मसाइल अब तक आ चुके हैं और कितने हल हो चुके हैं? मैम इसमें अब तक हमारे पास तकरीबन कोई 7 एप्लीकेशंस के करीब आ गई हैं जिनको हमने एड्रेस करवा दिया है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि किस नौयत की शिकायत हैं जो लोगों को LDA से हैं? इसमें एक तो ट्रांसफ़र वगैरह की होती हैं, कुछ कुरानक केस हैं, कच्ची आबादी से मुतलका इशूज़ थे कि उसमें रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम थी ना वो जो कंप्लेनेंट था उसने डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं की हुई थी, तो उसको हमने कहा कि आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आएँ, इंशाल्लाह वो हो जाएगी। इसके अलावा कब्जे का होता है बाज़ का, तो नाजरीन यहाँ पर जितने भी डेस्क मौजूद हैं चाहे वो महकमा एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, LWMC का हो, ज़िला इंतज़ामिया का हो या फिर LDA का हो, तमाम के यहाँ पर फोकल पर्सन मौजूद हैं, क्योंकि जो भी शिकायत आती हैं मुतलका महकमे के फोकल पर्सन के पास उसको भेजा जाता है ताकि बर वक्त उस शिकायत का अजाला किया जा सके। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे शहरी ऐसे मौजूद होते हैं जिनको ये लगता है कि मुसलसल वो खुली कचहरी में आ रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। नाजरीन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, यहाँ पर LESCO का बेंच है, यहाँ पर इनसे बात कर लेते हैं कि लोगों को LESCO से बहुत सारी शिकायत है, अब तक कितनी मौसूल हुई है और कितनी हल हो चुकी है? ये जब से ये ओपन कचहरी का सिलसिला शुरू हुआ है कुछ 6-7 कंप्लेंट्स अब तक रिसीव हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारी रिजॉल्व कर दी, कोई भी पेंडिंग नहीं रही, कोई इस तरह का इशू अभी हमारे खाते में नहीं है जो हमने रिजॉल्व ना किया हो।
अच्छा लेस्को की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से, जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम की जानिब से ही कहा जा रहा है कि मसाइल को हल किया जा रहा है। इमरान मलिक, मैंने तमाम फोकल पर्सन से बात की है, WMC, महकमा तालीम से, सेहत से, सबकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मसाइल हल हो रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो कुछ और ही कह रही है। देखें, सब अच्छा की रिपोर्ट वो अफसरान है और फोकल पर्सन आए हुए हैं अपने अपने महकमों की तरफ से, वो तो ये कहेंगे हमारी तरफ से जो एप्लीकेशन खुली कचहरी में आ रही है। और ये लाइट महकमे हैं सिदरा, इनके मसाइल ही कोई नहीं है। मसाइल ये हेल्थ का क्या इशू होगा किसी का, किसी की ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का, रिटायरमेंट का इशू होगा, किसी की ये एजुकेशन का भी यही मसाइल होंगे। अगर LWMC की बात करें तो वहाँ पे सफाई का मसला होगा, वो अभी फ़ोन करेंगे सफाई हो जाएगी। अगर वासा का मसला होगा तो कोई गटर बंद होगा। अगर कोई असल मसाइल जो है वो पुलिस और रेवेन्यू के हैं जो हल नहीं हो रहे। अच्छा इमरान मलिक, खुली कचहरी जो है वो लोग ये सोच लेकर आते हैं कि चाहे उनका कोई भी मसला है वो खुली कचहरी में आएंगे तो हल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है क्या? खुली कचहरी में भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स है जिनके मसाइल हल हो? देखिए सिदरा, आज पूरे शहर में खुली कचहरियाँ लगी हुई हैं। IG ऑफिस में भी खुली कचहरी है, DIG ऑफिस में भी खुली कचहरी है, बाकायदा उनके हमारे चैनल के तवासुल से टिकट्स भी चले आज सुबह की, आज खुली कचहरी लगेंगी। कमीशन हॉट डिवीजन ननकाना में जाके खुली कचहरी लगा के बैठे हुए हैं। मसाइल ये इसी तरह ही हल होंगे ना, जिसका जिस साइल का जहाँ पे मसला होगा वो वहीं पे जाएगा तो उसकी बात बनेगी। अगर वो पुलिस का मसला DC ऑफिस के पास लेकर आएगा तो वो उसको मार करेंगे, वो उसको थैंक यू भी करेंगे, उसे कहेंगे कि IG के पास, DIG के पास भेजेंगे एप्लीकेशन कि इनका मसला सुने, वो उसके ऊपर हल नहीं निकाल सकते। अच्छा किसी SHO का मसला होगा तो वो SHO की भी जो दुहाई होगी वो यहीं पे आकर सुनाएंगे। तो ये अब वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट नहीं है जो 2017 से पहले थी। 2017 से पहले DCO के पास तमाम तरह अख्तियार थे। अच्छा इमरान मलिक, जैसे आपने बताया कि अब DC के पास उतने अख्तियार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोग अक्सर से हमने बात की है, आपने भी सुना है कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, DIG का दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, CCPO के पास गए, वो अपने जो जो उनका इलाके के पुलिस थाने हैं, कोई SP है, SSP है, उनके पास गए, जब कहीं उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने कहा कि चलो आखिरी दर जो है वो भी खटखटा ही लेते, उम्मीद है हो सकता है कहीं से मसला हल हो जाए। लोग ये सोच लेकर भी यहाँ पर पहुँच। देखिए ये खुली कचहरी लगाने का भी मकसद यही है, वज़ीर आला पंजाब ने DC ऑफिस की जो खुली कचहरी लगवाई है ना, ये मॉनिटरिंग अदारा है। यहाँ ये कोई ना सोचे कि ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे आ रही है वो CM पंजाब के पास नहीं जा रही, वज़ीर आला पंजाब का एक पूरा सेल है जो यहाँ से कंप्यूटर हो जाती है जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की मोड़ लगा दी जाती है, वो एप्लीकेशन वहाँ पे दर्ज हो रही है। और कब तक बकरी की माँ खैर बनाएगी, कब तक अफसरान जो सोचेंगे कि शायद मैंने इसका मसला हल नहीं किया, वो वज़ीर आला पंजाब भी मसला हल करेंगे क्योंकि उनके पास भी एप्लीकेशन जा रही हैं। ये जो रेवेन्यू के मसाइल या जो पुलिस के मसाइल हल नहीं हो रहे वो वहीं पर भी जाती है, वहाँ पर भी जाती है। वो देखें वहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है, वहाँ पर इनको कंप्यूटर नंबर भी। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर जो है वो एक डेस्क बनाए गए हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, शहरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि उनके मसाइल का हल किया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक डेस्क मौजूद है जहाँ पर ना सिर्फ फोटोकॉपियर मौजूद है बल्कि कंप्यूटर यहाँ पर मौजूद है ताकि जो शिकायत है लोगों की जो यहाँ पर हल हो सकती है वो तो हो, जो कि मुख्तलिफ महकमों के फोकल पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर तो शिकायत हल होंगी, लेकिन जिस तरह इमरान मलिक भी बता रहे थे हमें कि जो रेवेन्यू की शिकायत है, जो पुलिस के महकमे की शिकायत है, वो डायरेक्ट जो है वो CM ऑफिस तक पहुँचाई जा रही है, वजीर आला के दफ्तर तक पहुँचाई जा रही है, ताकि ये ना समझा जाए कि अगर यहाँ पर उन मसाइल का हल नहीं है तो वो अफसरान जिन्होंने लोगों को, आम शहरियों को तंग किया है वो बच निकलेंगे। वो बच नहीं निकलेंगे, बल्कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर फोटोकॉपियर मशीन भी मौजूद है, कंप्यूटर भी मौजूद है, स्कैनर भी मौजूद है, और फौरी तौर पर इन शिकायत को जो यहाँ पर हल नहीं हो सकती वो, या फिर जो यहाँ पर हल हो रही हैं उनको आगे महकमों तक पहुँचाया जा रहा है। इमरान मलिक, यहाँ पर लोग जो हैं वो इसका मतलब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद हमारी जो शिकायत यहाँ पे हल नहीं होंगी तो हम बच निकलेंगे, यानी बचने वाला कोई सीन नहीं है, शिकायत आगे जा रही है। हमारा यहाँ पे इस मॉनिटरिंग दायरे पे मॉनिटर होना और आना दिखाना ही काफ़ी है। पिछली खुली कचहरी को जो लास्ट जुमा वो हुई, यहाँ पे एक बाबा जी थे शादरे से आए हुए थे, उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि जी मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मुझे पूछा नहीं जा रहा। आपको पता है यहाँ पर ADCR जो हैं वरदा सोरश और इसके साथ साथ उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी गए, उनके साथ जो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो सेक्रेटरी RTA गए, क्यों 3 गाड़ियाँ शादरे में गई,
اچھا پہلے ہی مسئلہ جو شادرے کا تھا ٹریفک جنکشن کا, وہ پہلے ہی مسئلہ کمیشن لاہور اور ڈی سی لاہور حل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ جائیں, میرے دل کو مطمئن کریں کہ میں یہاں پر کام کر رہا ہوں اور لوگوں کو میں بتاؤں کہ ہماری ٹیم جو ہے ڈی سی آفس سے یہاں پر آئی ہے. اچھا انہوں نے ان کو سمجھایا کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ پہلے بھی ہے, مگر پھر بھی وہ باضح تھے کہ آپ یہ وہاں سے گئے. میں ابھی آپ کو ان سے بات بھی کرواتا ہوں. بالکل عمران ملک بابا جی جو ہے وہ ان صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے, انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر ان آفیسر کا نام لے کے بتایا ہے کہ وہ وہاں پر آئی ہیں, ٹریفک کے مسائل تھے, اس طرح کے شادرہ کے مسائل تھے جن کی وہ نشاندہی کر رہے تھے. ناظرین مزید ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے ان کے کیا مسائل ہیں, ڈی سی لاہور سولید سعید سے بھی ہم بات کریں گے کہ کتنے مسائل حل ہو گئے ہیں, کتنی دیر جو ہے وہ مزید درکار ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ جائے. یہاں وقت ہے بریک کا, واپس آئیں گے, مزید باتیں ہوں گی.